Welcome at Newcastle Training Center. This is your trainer Shahzad. आज की ट्रेनिंग में आप सीखने जा रहे हैं कि फॉर द वाइकिंग की बेस्ट प्रैक्टिसेस क्या हैं एक्सेल में। अभी हम बात कर रहे थे अपनी ऑडियंस के साथ कि हमारी ट्रेनिंग्स का पर्पस प्रोडक्टिविटी है और ऐसी बेस्ट प्रैक्टिसेस को अडॉप्ट करना है जिससे हमारी प्रोडक्टिविटी, हमारी कैपेबिलिटी और कंट्रोल्स को इम्प्रूव करें। ठीक है, सो वी आर ट्राइंग टू डिवेलप सम बेस्ट प्रैक्टिसेस। So let's look at formulas. हमारे पास एक सैंपल डेटा है सेल्स का और इस सेल्स के डेटा में सो फॉर तो हमने कुछ फिल्टर्स अप्लाई किए हुए हैं और विच कैन लुक एट और हम इन फिल्टर्स को क्लियर कर देते हैं सो दैट वी कैन हैव ऑल द डेटा विद अस। और इस डेटा के ये हम फर्स्ट सेल पे हैं एंड देन लास्ट सेल पे जाने के लिए आप कंट्रोल डाउन एरो की प्रेस कीजिए तो हम इस डेटा के लास्ट सेल पे आ जाएंगे। कंट्रोल राइट एरो से राइट मोस्ट एंड कंट्रोल अप एरो से उसके टॉप फर्स्ट। सो ये तो है नेविगेशन के विद इन डेटा इन द टेबल फॉर्मेट और इन द डेटा सेट फॉर्मेट आपको नेविगेट कैसे करना है। कंट्रोल और एरो कीज को यूज कीजिए नेविगेशन। ठीक है, तो हम नेविगेट क्योंकि हमें नहीं मालूम इतना स्क्रॉल करेंगे तो इट कैन टेक मे बी लॉट ऑफ आवर टाइम। ओके, सो व्हाट वी डू सिंपली प्रेस कंट्रोल डाउन एरो और हम लास्ट सेल पे आ गए और यहाँ पे नीचे अब हमें सम चाहिए सम ऑफ सेल्स। तो हम फॉर्मूला राइट कर सकते हैं या हमारे पास ऑटो सम का यहाँ पे एक फंक्शन है। ओके, जब हम इसको क्लिक करेंगे तो इस सेल से ऊपर जितनी डेटा रेंज है ये ऑटो सेलेक्ट कर देगा और ओके ऑटो सेलेक्ट भी कर दिया और उसने सम भी प्रोड्यूस कर दिया ऑटोमेटिकली। अगर इसको हम डबल क्लिक करें फॉर्मूला को तो हम देख सकते हैं वो सब रेंज सेलेक्टेड है। ओके, सो वी हैव गॉट द सम ऑफ सेल्स डेटा बाय क्लिकिंग जस्ट ऑन द ऑटो सम फंक्शन। दिस इज वन वे ऑफ डूइंग इट। ठीक है, और जो बेस्ट प्रैक्टिसेस हैं अभी हम उनकी तरफ भी आते हैं। और लेकिन इससे पहले जरा आप देखिए कि जब हमने यहाँ पे क्लिक किया तो फॉर्मूला बार में फॉर्मूला क्या लिखा गया। फॉर्मूला सम नहीं है, रादर द फॉर्मूला है सब टोटल 19 सेल्स। तो ये कुछ अजीब सा यहाँ पे हमें दिख रहा है। लेट मी एक्सप्लेन। सब टोटल ये सेल्स है, ये इस टेबल के कॉलम इसका हेडर है। ओके, और ये उस हेडर के ऊपर सब टोटल कर रहा है। ओके, इससे भी हमको सम आ रहा है। एंड अनदर वे इज दैट वी क्लिक ऑन सम, हम फॉर्मूला टाइप कर रहे हैं सम और उसके बाद हम अपनी उस रेंज को सेलेक्ट करें। सो रेंज को सेलेक्ट करने के लिए हम जाए इसके फर्स्ट सेल के ऊपर और फिर शिफ्ट प्रेस करके हम लास्ट सेल तक पहले जाएं और शिफ्ट प्रेस करके हम लास्ट सेल पे क्लिक करें। ओके, तो सारी रेंज सेलेक्ट हो जाएगी एंड देन वी क्लोज द ब्रैकेट। सो जो रेंज है वो G4 से G509 दैट इज द रेंज। ठीक है, तो दिस इज अनदर वे टू राइट द फॉर्मूला। ओके, सपोज अगर हमें सम यहां पे चाहिए, लेट्स से We want के हमारा सम जो है जैसे यहाँ पे हो यहाँ पर सामने, तो हम क्या करेंगे इक्वल सम ऑफ, ठीक है, जी क्या था G4 और फिर कॉलन साइन G509। ओके, तो रेंज टैग को भी एंटर कर दीजिए तो हमारे पास सम ऑफ सेल्स इस तरीके से भी आ सकता है। ओके, वेल बट यू नो इन दिस केस हमको सेल के जो एड्रेसेस हैं वो याद करने की जरूरत होती है कि हम सेल एड्रेसेस को याद रखें, व्हिच एट टाइम्स इज अ डिफिकल्ट जॉब। ओके, सो बेस्ट प्रैक्टिस ये है कि आपको जिन डेटास को कंप्यूट करना हो, सम करना हो या कोई भी कैलकुलेशंस करना हो
उन डेटा रेंज को हम नेम्स दे रहे हैं, प्रॉपर नेम्स दे रहे हैं। सो व्हाट वी डू, पहले तो हम इस सेल्स को जरा यहाँ से इन सब को रिमूव कर देते हैं, ठीक। व्हाट वी डू, हम इस टेबल के फर्स्ट सेल पे जाएं, फर्स्ट सेल जहां पे के एक्चुअल न्यूमेरिक फिगर मौजूद है उस पे जाइए, एंड देन शिफ्ट कंट्रोल डाउन एरो, शिफ्ट कंट्रोल डाउन एरो से वो रेंज सेलेक्ट हो जाएगी, डेटा रेंज सेलेक्ट हो जाएगी, शिफ्ट कंट्रोल डाउन एरो। लेट मी शो यू अगेन, फर्स्ट न्यूमेरिक फिगर पे जाइए और देन शिफ्ट कंट्रोल डाउन एरो से तो पूरा आपका जो रेंज है जिसमें आपका डेटा मौजूद होता है वो सिलेक्ट हो जाता है। जब वो सिलेक्ट हो जाए तो अब इस डेटा रेंज को हम एक नेम दे सकते हैं, और वो नेम हम देंगे यहाँ पे नेम बॉक्स में। नेम बॉक्स पे क्लिक कीजिए एंड देन गिव इट अ नेम, एंड लेट्स से आवर नेम इज सेल्स अंडरस्कोर डेटा। ओके, सेल्स डेटा, ये हमने इस रेंज को एक नेम दे दिया। अब अगर हमें सम ऑफ सेल्स यहां पे चाहिए, लेट्स से और सॉरी अपनी पहले वाली पोजीशन पे जाइए ताकि हम आपको समझ आए कि हम कहां थे और क्यों थे। कहीं भी फॉर्मूला तो कहीं भी राइट कर सकते हैं, दैट्स नो प्रॉब्लम। और ठीक है, फर्स्ट करें हम, हमें यहां पे चाहिए सम ऑफ सेल्स, और उनके जरा हम इंक्रीज कर रहे हैं, सो वी वांट सम ऑफ सेल्स रन हियर। ओके, तो फॉर्मूला करें इज इक्वल टू सम ऑफ, अभी हमको यहाँ पे रेंज की और सेल एड्रेसेस की फिक्र नहीं करनी है, वी कैन गिव द नेम ऑफ दैट रेंज व्हिच इज सेल्स। जैसे ही हमने सेल्स शुरू किया, सेल्स डेटा सामने आ गया, इसको टैप करें, रेंज सेलेक्ट हो गई और टैप क्लोज करें, सम ऑफ सेल्स डेटा। ओके, हियर वी गो, दिस इज द सम ऑफ सेल्स डेटा, ठीक है। एंड लाइकवाइज इफ यू वांट, लेट्स से एवरेज ऑफ सेल्स डेटा, लेट्स से सो वी कैन से एवरेज ऑफ sales data, this is average of sales data, then max value of sales data, maximum value kya hai, equal max of sales data, and then minimum value of sales data is equal to min of sales data. Okay, so you see aap quickly apne jo names hain, नेम रेंज है, आप उनको अपने फॉर्मूला में यूज कर सकती हैं, और इस इरिस्पेक्टिव कि आप कहाँ पे हैं, सपोज आपको अपने डेटा वन में नहीं बल्कि लेट्स से यहाँ पे किसी और शीट में आपको सेल्स का सम चाहिए, सो यू डोंट नीड टू वरी अबाउट दिस सेल्स कि वो कहाँ हैं, कैसे हैं। ओके, आपको सम चाहिए, जस्ट गो सम ऑफ sales data, it's available everywhere in your book. Okay, puri workbook mein available hai. Okay, so jitne bhi aapke data sets hain aap unko proper names de diya kare taaki phir aap un names ko rakh sake. Now look at another useful feature over there. What if ye to aapne range select ki thi, रेंज आपने डिफाइन की थी यहाँ तक G509 तक। व्हाट इफ कि अगर आप मजीद डेटा इसमें ऐड करते हैं तो, और अगर आप सम करेंगे तो अगर वो आपका डेटा एक्सक्लूड हो जाता है, ओके, तो वो तो प्रॉब्लम है, आपकी फिगर्स करेक्ट नहीं होंगी, आपके एनालिसिस ठीक नहीं होंगे, ठीक है। सो सपोज कि अगर हम यहाँ पे कुछ और डेटा एंटर कर देते हैं, जस्ट मैं कॉपी पेस्ट कर देता हूँ आपको समझाने के लिए, तो 509 से, सॉरी मैं देख रहा हूँ कुछ यहाँ पे डेटा हाइड हो रहा है, ठीक है, ऐसे करके हम हाइड कर दें, तो लेट्स से कि हम इस डेटा को यहाँ पे कॉपी कर देते हैं जस्ट टू हैव समथिंग, यहाँ से हाइड हुआ है,
राइट क्लिक करके इसको अनहाइड करें, देयर इज मच मोर डेटा देयर, तो हम इसको डबल क्लिक करें, डबल क्लिक करने से वो सब डेटा आ गया। ओह हियर वी गो, ओके डेटा कुछ हमारा अनहाइड हुआ हुआ था। इंडीड हमारे पास इस डेटा में 2004 रिकॉर्ड्स हैं। तो हमारा अब देखिए जरा ये सेल रेंज, ये तो सही डिफाइन नहीं थी, तो अब हम इसको रीडिफाइन करते हैं। अब रीडिफाइन करने के लिए हमें अपने सेल्स डेटा जो रेंज है उसको हमें करेक्ट करना होगा। करेक्ट करने के लिए आप जो ये फॉर्मूलाज में नेम मैनेजर, गो टू सेल्स अंडरस्कोर डेटा एंड करेक्ट इट फ्रॉम हियर, 509 की बजाय इसको आप क्या करते हैं दोबारा सेलेक्ट कर लें, फर्स्ट सेल पे क्लिक करें यहाँ पे, देन शिफ्ट कंट्रोल डाउन एरो, तो 2004 रिकॉर्ड्स तक आ गए सारे। और अगर आप देखें तो यहाँ पे अब कॉलम नेम अपीयर हो गया, टेबल का कॉलम नेम अपीयर हो गया, विच इज फाइन, ओके। और इसको एंटर और एंटर टू टाइम्स एंटर कर दें तो आपकी जो रेंज है वो करेक्ट होगी। अब यहाँ पे जाइए फिगर्स में तो आप देखिए डबल, हाँ ठीक है, तो आपकी रेंज अपडेट हो गई। ओके हम बात कर रहे थे व्हाट इफ के कुछ नए एंट्रीज हो जाते हैं आपके, लेट्स से सेल्स के कुछ और एंट्रीज हो जाते हैं। ओके शीला एक और जो है वो सेल्स कर देती है और उस सेल्स की कॉस्ट है ये और 2000 में वो उसको सेल कर रही हैं कस्टमर को। ओके तो आप देख रही हैं कि रेंज ऑटोमेटिकली एक्सटेंड हो गई। तो जैसे जैसे आपके रिकॉर्ड्स यहाँ पे मजीद क्रिएट होंगे आपको बिल्कुल वरी करने की जरूरत नहीं है कि आपके फॉर्मूला में वो रेंज पहले डिफाइंड नहीं थी, ना वो रेंज ऑटोमेटिकली एक्सटेंड होती जाती है, लेकिन वो रेंज एक्सटेंड होती है जबकि आपका डेटा टेबल फॉर्मेट में है। यू अंडरस्टैंड, आपने पिछले लेक्चर में समझा कि डेटा के दो फॉर्मेट्स होते हैं, डेटा सेट और टेबल फॉर्मेट। तो अगर तो आपका डेटा टेबल फॉर्मेट में है तो जो आप रेंज डिफाइन कर रहे हैं, रेंज नेम जो आप डिफाइन कर रहे हैं वो ऑटोमेटिकली एक्सपैंड हो जाएगा जैसे जैसे टेबल में और रिकॉर्ड्स एंटर हो रहे हैं, ठीक है। उस टेबल के ऊपर जो आपने नेम्स डिफाइन किया है वो ऑटोमेटिकली उनकी रेंज एक्सटेंड होती जाएगी। सो आपको बिल्कुल वरी करने की जरूरत नहीं है कि आपके फॉर्मूलास कहीं पे खराब हो जाए, ठीक है। हाँ नो प्रॉब्लम, आपकी ये देखें ये अगर आप रोज को डिलीट कर दें, ठीक है, तो आपकी रेंज और यहाँ पे कहीं पे क्लिक डबल क्लिक करके देखें तो आपकी रेंज ऑटोमेटिकली जो जो डिफाइंड जो रेंज है सेल्स डेटा की, जो रेंज डिफाइंड है वो ऑटोमेटिकली कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगी, ऑटोमेटिकली अपडेट हो जाएंगे। देखिए हम कुछ रोज डिलीट कर रहे हैं, आप देखिएगा कि फिगर्स ऑटोमेटिकली अपडेट होंगे, डिलीट करते हैं अपडेट हुए नहीं, कंट्रोल सी का 676 हुए ना, ठीक है। ओके वेल ये तो है फॉर्मूलाज और आपने समझा कि आप रेंज वगैरह को नेम करके तो आप उसको सेलेक्ट कर सकते हैं। अगर आप फॉर्मूलाज में नेम मैनेजर में जाएं तो यहाँ पे जितने और भी नेम्स डिफाइंड हैं रेंजेस के वो आपको मिल जाते हैं। जब आप कोई टेबल बनाते हैं तो उस टेबल का एक नाम ऑटोमेटिकली क्रिएट हो जाता है और वो भी वहाँ पे आपको अवेलेबल होते हैं, ठीक है। जिनको आप एडिट करके टेबल नेम को चेंज भी कर सकती हैं, जैसे कि आप अगर देखें कि ये जो हमारा अगर हम यहाँ पे ऑटो सम लें यहाँ पर तो ऑटो सम में 109 सब टोटल 109 कुछ इस तरीके से आ जाए। अगर आप फॉर्मूला में जाएं, फॉर्मूला बाद में जाएं
तो यहाँ पे जा करके ठीक है इनके रेफरेंस किसी टेबल के अंदर मौजूद हैं, वी नीड टू लुक एट दैट. चलो आई होप यू एंजॉयड द ट्रेनिंग और जो फार्मूलाज के फंडामेंटल्स थे वो कुछ आपने समझे. इम्पोर्टेंट हाँ एक चीज़ और है कि जब आपके नंबर ऑफ शीट्स बिजनेस शीट्स बहुत ज़्यादा हों जैसे कि हमारे केस में है तो और आपने बहुत सारे नेम्स डिफाइन किए हैं तो फार्मूला में कॉल करते हुए सम ऑफ अभी याद नहीं आ रहा कि वो क्या नेम था तो आप फार्मूलाज टैब में जाके यूजिंग फार्मूला पे क्लिक कीजिए तो यहाँ पे वो सारे डिफाइंड रेंजेस आपको दिख रहे हैं. You can simply select from there and use it. Okay, इस तरीके से and yeah, likewise there are many other formulas, autosum recently used, financial formulas and so on. Formulas का अलग से एक session है हमारा जिसमें आप मज़ीद उसके बारे में सीखेंगे. अभी आपने ये समझा कि formula की जो writing best practices हैं वो क्या होनी चाहिए. ठीक है आई होप यू एंजॉयड द ट्रेनिंग एवरीवन कीप वर्किंग ऑन योर प्रोफेशनल डेवलपमेंट वी विश यू वेरी बेस्ट एंड सी यू सून. चीयर्स.